संत भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के 6वें दिन जोधपुर से पधारे कथा व्यास गोवत्स श्री राधा कृष्ण महाराज ने कहा कि श्री भाई जी जैसे महान रसिक संतों के धाम गमन को लीला प्रवेश कहते हैं। ब्रज में इसे प्रिया प्रियतम मिलन महोत्सव कहते हैं। भाई जी जैसे महापुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा कर रखते हैं। किसी विशेष स्थिति में भावावेश हो जाने पर उनके अत्यंत निकट रहने वालों को उनके स्वरूप के बारे में किंचित जानकारी मिल जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। मैया के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके समस्त परिकरों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अयोध्या से पधारे हुए हमारे पूज्य श्री मधुकरिया बाबा जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राधा माधव के सेवा में संलग्न सभी भू देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। रसिकों का कोई भी उत्सव हो, चाहे उनका जन्मदिन मनाओ, चाहे उनका लीला प्रवेश दिन मनाओ, उसमें रस ही होना चाहिए। उसमें रस ही होना चाहिए। रस भले ना हो, रस हो। तो मेरे भाई बहन, ये विचार, ये भाव मन में ला करके कि यहाँ भाई जी का संस्कार हुआ, यहाँ भाई जी का देह विलय हुआ, वहां समाधि बनी है, उस समाधि पर हम पुष्प अर्पण कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं, नहीं, भाई जी प्रिया प्रीतम की निकुंज सजा रहे हैं, भाई जी प्रिया प्रीतम का बंगला सजा रहे हैं, माला बना रहे हैं, गजरा बना रहे हैं, हम उनको पुष्प पकड़ा। इसलिए मैं मेरे को सुन लो, आ जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो। ऐसा वैसा कोई फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है समाधि पर, सड़ा गला नहीं, बढ़िया से बढ़िया फूल देख करके लाई और वो अर्पण करी। इस भाव से नहीं कि ये एक समाधि है या ये एक जहां ये देह को इस प्रकार से किया जाता है, उस स्थान को कुछ अलग भाव में लेते हैं। और आप में से कुछ लोग जानते हैं कि उस समय भी उस भाव को लेकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था विषय, लेकिन हम सब के भावों का पोषण करने वाले ऐ भगवा वेश में बैठे थे बाबा। और उनके वो जब बोलते तो पूरा शास्त्र बोलता, पूरा वेद बोलता। कृपानाथ जय जय प्रीतम गाने वाले बाबा को आप कोई कवि मात्र न समझें। कितने वेद, कितने शास्त्र उनके भीतर थे। मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म का कोई शास्त्र उनके मति में से स्पर्श न किया, लेकिन फिर भी मन हो गया दीवाना। लेकिन अगर ज्ञानी कवि प्रेमी हो जाए तो उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। कितने ही दम भरो आप भाई जी से, हम प्रेम करते हैं,
कितने सब कीर्तन गाए हमारे बाबूजी के बाबूजी हमारे, हमारे भाई जी के भाई जी हमारे, हमारे दादाजी के दादाजी हमारे, हमारे नानाजी, कुछ भी गाओ आप लेकिन उनके जैसा। बाबा की समाधि में इन तीनों स्थानों पर कोई अंतर कभी करना नहीं, जो अंतर करे वो बहुत बड़ा अपराध करेगा। ये तीनों एक तत्व है, तीनों एक तत्व है, तीनों जगह एक रस है, जो इनमें भेद करे वो अपराध करे।